गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस और वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस। इट एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज helps an enterprise to be the first to exploit them instead of losing them for competitors. For example, Maruti Udyog became the leader in the small car market because it was the first to recognize the need for small cars in an environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India. बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी को बिजनेस को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। जस्ट कंपनी को उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए सही है, ठीक है। जैसे कि मारुति उद्योग कंपनी थी, मारुति उद्योग कंपनी ने ये आइडेंटिफाई किया कि मेरे कि इंडियन जो मार्केट है वहाँ पे मिडिल क्लास फैमिलीज, मिडिल क्लास पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनको वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि छोटी कार को, नैनो कार को प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो मारुति उद्योग अभी मार्केट में उसका काफ़ी अच्छी गुडविल है, काफ़ी अच्छा शेयर है मार्केट में। तो मारुति उद्योग एक ऐसी कंपनी थी जिसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, क्लियर। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। जस्ट कंपनी को बिजनेस को अवेयर होना पड़ता है और आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब कर सकता हूँ, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सिंस Environment is a source of both opportunities and threats for a business enterprise. Its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action. Business environment company को assist करता है, help करता है in making planning and policies for the business. क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज तो प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। थ्रेट्स क्या होते हैं? डेंजर। एक कंपनी के लिए क्या डेंजर है मार्केट में? डेंजर क्या होता है कि एक अगर एक कोई कंपनी है तो उसके लिए क्या डेंजर है? उसका कॉम्पिटिटर, ठीक है। कॉम्पिटिटर कुछ भी करके दूसरी कंपनी के सर्वाइवल के लिए डेंजर पैदा कर सकता है, ठीक है। तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अगर मैनेजर उसके रिगार्डिंग पूरा अवेयर है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है करंटली कैसा चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजर हेल्प ले सकता है बिजनेस एनवायरनमेंट से कि मेरी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, अभी मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या अंडरटेक करना है, मेरे कॉम्पिटिटर जो हैं अभी वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनके क्या प्लानिंग हो सकती है, उनका क्या स्टेप हो सकता है, मैं उनके स्टेप को देख के ही अपना स्टेप अंडरटेक करूँगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के साथ समझना हो तो अगर कंपनी एबीसी लिमिटेड है और उसका कॉम्पिटिटर है एक्स वाई जेड लिमिटेड, ठीक है। कंपनी एबीसी लिमिटेड जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो उसका जो कॉम्पिटिटर है सेम प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अगर एबीसी लिमिटेड अपने प्राइजेस को कम करेगी तो उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो भी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो कंपनी उसके ही स्टेप्स को देख के अपने प्राइजेस को कम कर लेगी। क्यों कम कर लेगी? सो दैट कि कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर कम प्राइस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कंपनी को अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ थ्रेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी को उन थ्रेट्स को, उन अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करके, आइडेंटिफाई करके अपनी प्लानिंग को अंडरटेक करना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट्स ऑन टाइम एंड सर्व एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल। For example, if a company
इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट द फॉरेन मल्टीनेशनल इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्स्टिट्यूट्स, इट शुड एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल. ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द इंडियन फर्म्स कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स टू मीट द थ्रेट बाय अडॉप्टिंग सच मेजर्स सच एज इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और एंगेजिंग इन अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा. जैसे मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ थ्रेट्स भी प्रोवाइड करते हैं. थ्रेट्स क्या होते हैं? एक तरह की वार्निंग होती है, डेंजर होता है कंपनी के लिए. ठीक है, तो अगर कंपनी का जो मैनेजर है वो एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट में जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग प्रॉपरली अवेयर है, ठीक है, तो मैनेजर क्या कर सकता है, पहले ही खुद अपनी कंपनी की प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकता है कि मैं उस थ्रेट को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, मैं उस थ्रेट को कैसे अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकता हूँ. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल बताई कि अगर कोई एमएनसी, कोई फॉरेन कंपनी है, वो ये चाह रही है कि मैंने इंडियन मार्केट को कैप्चर करना है, ठीक है, इंडिया में भी प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड करवानी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है. तो जो एग्जिस्टिंग इंडियन मार्केटर है वो क्या कर सकता है, अगर वो चाहता है कि वो जो न्यू सब्स्टिट्यूट आ रहा है वो मार्केट को कैप्चर ना कर पाए, कस्टमर्स उसकी डिमांड ना करें, तो एग्जिस्टिंग मार्केटर क्या कर सकता है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है, पहले से बेहतर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएगा, तो कस्टमर ऑब्वियसली किसी और सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे ही नहीं. ठीक है, अगर अपनी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम कर लेगा तो उससे क्या होगा, अगर प्रोडक्शन की ओवरऑल कॉस्ट कम आ रही है तो अपनी प्रोडक्ट्स के प्राइजेस कम कर सकता है, जिससे कस्टमर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करेगा, बार बार एडवर्टीजमेंट करेगा, जिससे कस्टमर की जो फोकस है वो अपने प्रोडक्ट की तरफ लेके आ सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस. टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी अ बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, पावर एंड वाटर, लेबर एक्सेट्रा. सो बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स सच रिसोर्सेज टू बिजनेस व्हेन एवर इट नीड्स. क्योंकि बिजनेस एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में रह के काम करता है, ठीक है, दैट सराउंडिंग इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, तो उस सराउंडिंग में बिजनेस को जो भी चाहिए वो सराउंडिंग में से ही वो अवेलेबल करवा लेता है. जैसे कि अगर बिजनेस को रॉ मटेरियल चाहिए, पैसा चाहिए, मशीन्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए काम करने के लिए, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करवाता है बिजनेस को. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. टूडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस. इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड मोनिटर एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो डिवेल्प सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या ट्रेंड चल रहा है. सो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को कंटिन्यू मैनेजर मॉनिटर कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, ठीक है, उसको एनालाइज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, जो रैपिड चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर, ठीक है, तो रैपिड चेंजेस आते हैं, चेंजेबल है एनवायरनमेंट, तो अगर मैनेजर उसको कंटिन्यू ऑब्जर्व कर रहा है तो वो इस काबिल हो जाता है, वो एबल हो जाता है कि मैं अपने बिजनेस को अकॉर्डिंगली मोल्ड अप कर सकूं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. Many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment.
एंड द एंटरप्राइजेस दैट कॉन्टीन्यूसली मोनिटर देयर एनवायरमेंट एंड अडोप्ट सुटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस आर द वंस विच आर नॉट ओनली इम्प्रूव देयर प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट ऑल्सो कॉन्टिन्यू टू सक्सीड इन द मार्केट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिजनेस एनवायरमेंट जो है उसको ऑब्जर्व करना, मोनिटर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर किसी बिजनेस ने सर्वाइव करना है, ठीक है। मार्केट में सर्वाइवल देखना है, अपनी ग्रोथ देखनी है, तो बिजनेस एंटरप्राइज को अपने बिजनेस का एनवायरमेंट कॉन्टिन्यू मोनिटर करते रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आज आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर्स को, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि कस्टमर की आज जो प्रेफरेंसेस हैं, कस्टमर का जो आज टेस्ट है, कल भी सेम ही टेस्ट रहे, ठीक है। कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को, बिजनेस को क्या करना चाहिए, कॉन्टिन्यू मोनिटर करते रहना चाहिए कि कस्टमर्स की अभी क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज हैं, उनकी फीडबैक वगैरह ले लेनी चाहिए, जिससे क्या एंटरप्राइज को ये पता चल जाता है कि अभी मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे कैसे अपने बिजनेस को मोल्ड अप करना है, ठीक है। क्या कस्टमर्स को मेरे अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो क्या उसके रीजंस क्या हैं। अगर तो बिजनेस ऐसे जो फीडबैक वगैरह है वो ले रहा है एनवायरमेंट से, तो बिजनेस की लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो पॉसिबल हो जाती है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है वो फिक्स हो जाती है। क्लियर।